चाल तथा समय रेलगाड़ी संबंधी प्रश्न है भाग 3। अब देखिए प्रश्न पहले पढ़ा जाए। दो व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं। उनके पीछे से आ रही यानी वह भी ये उसी दिशा में है, पा रही एक रेलगाड़ी उन्हें क्रमशः 9 सेकंड में और 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करिए। तो दोस्तों चूंकि सारी गतियां एक ही दिशा में है, तो पहले जब रेलगाड़ी मान लीजिए यहाँ चाल पूछा है, मान लीजिए कि रेलगाड़ी की चाल यक्स किलोमीटर प्रति घंटा है, किसमें किलोमीटर प्रति घंटा में, तो जो व्यक्ति को जब पार कर रही वो भी एक ही दिशा में, तो चालें जो है घट जाती हैं। तो व्यक्ति की जो पहले व्यक्ति की चाल है वो 3 है, तो ये हो गया सापेक्ष चाल निकल जाएगा, यक्स -3 किलोमीटर ये प्रति घंटा में निकल गया। अब इसको देखिए पार करने में इस व्यक्ति को कितना समय लग रहा है, 9 सेकंड, ये देखिए 9 सेकंड लग रहा है, यानी ये मात्रक सेकंड में है, इसलिए ये किलोमीटर प्रति घंटा जो यहाँ पर ये दिया हुआ है सापेक्ष काल निकाल कर लग रहे, इसमें हम लोग 5/18 का गुणा कर दें तो ये भी मीटर प्रति सेकंड में हो गया। अब ये चाल जो है मीटर प्रति सेकंड में इतना हो गया, और गुणे समय इसके लिए कितना लगा है 9 सेकंड, ये जो 9 सेकंड हम लोगों ने लिख दिया ये 9 सेकंड हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये जो चाल, ये चाल है पूरा इस ब्रैकेट के अंदर, और ये हो गया समय, तो चाल गुणे समय क्या हो जाता है दूरी। और दोनों व्यक्ति को पार कर रही है गाड़ी, अलग अलग व्यक्ति को, तो व्यक्ति को पार करने में या खंभे को पार करने में गाड़ी द्वारा चली गई दूरी अपनी लंबाई के बराबर होती है, अर्थात ये जो दूरी है बराबर हो गई, इतनी ही दूरी दूसरी चलेगी, शर्त उसकी अलग होगी। अब देखिए यहाँ पर बराबर लिखिए, बराबर दूसरे गाड़ी के सापेक्ष, इसी तरह से गाड़ी की चाल एक्स मानी गई है, इसकी चाल जो है व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति की 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 6 कर लिया गया माइनस करके, एक्स -6, चूंकि ये भी किलोमीटर में है ये किलोमीटर में है, ये तो ये आपको फिर 5/18 कर लेना होगा। इसमें कितना समय लग रहा है इस व्यक्ति को पार करने में, 10 सेकंड लग रहा है, तो गुणे 10 कर लिया गया। अब ये दोनों बराबर हो गए गाड़ी, ये समीकरण, ये समीकरण। अब देखिए यहां पर अब आपको ये एक पक्ष में ये इतना है, दूसरे पक्ष में भी 5/18 है, तो ये दोनों कट गए। अब क्या बचा यहाँ पर, ये 9, और इस 9 का इसमें गुणा कर लीजिए, उसी 9 का इसमें गुणा कर लीजिए, तो ये आपका हो गया कि 9x, 9x और -3 ये है, तो -9 * 27 ये हो गया बराबर। इस 10 का एक बार इसमें करेंगे, एक बार इसमें करेंगे, तो ये देखिए 10x हो जाएगा और ऋण ये हो जाएगा 60, ये हो गया। अब इसको जो पक्षांतर वगैरह करेंगे तो इस 9x को इधर लाएंगे 10x की तरफ, तक केवल x बचेगा, इसको इधर लाएंगे तो आगे इधर प्लस हो जाएगा, -60 है, दूसरी तरफ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, और -27 उसमें घटा देंगे तो केवल 33 यहाँ पर आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन आप कर सकते हैं दोस्तों। अब देखिए किस विकल्प में यह आंसर है, ये विकल्प जो है सी में है आपको। अब देखिए प्रश्न नंबर 2 में एक गाड़ी 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गोरखपुर से आगरा के लिए रवाना होती है, और ठीक उसी समय दूसरी रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आगरा से गोरखपुर के लिए रवाना होती है। यदि पहली गाड़ी को आगरा पहुंचने में 16 घंटे का समय लगता है, तो दूसरी गाड़ी को आगरा से गोरखपुर पहुंचने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब गाड़ियां ऐसे चल रही हैं, ये स्टेशन अगर हो तो इधर इधर भी आगरा, यहाँ गोरखपुर अगर समझ लिया जाए, यहाँ पर आपको आगरा समझ लिया जाइए, तो ये गाड़ी इधर से चल रही है यानी विपरीत दिशा में चल रही है। तो फिलहाल दूरी इनकी जो यहाँ इसको पहुंचते हुए यहाँ पर पहुंचना है और इस गाड़ी को भी यहाँ तक पहुंचना है, तो दूरी तो बराबर होगी। इस दूरी के सिद्धांत पर क्या होगा, पहले गाड़ी की चाल ये है और पहले गाड़ी को कितना समय लग रहा है 16 घंटे, तो ये चाल गुणे समय कर दिया जाए तो दूरी निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 150 गुणे, क्योंकि ये भी किलोमीटर प्रति घंटा में और चाल भी समय भी घंटा में दिया हुआ है, तो सीधे हम बिना बदले जो है ये कर देंगे, इसमें 5/18 गुणा नहीं करना पड़ेगा। ये एक तरफ का हो गया बराबर, ये पहली गाड़ी की चाल गुणे पहली गाड़ी द्वारा लगा समय माने चली गई कुल दूरी हो गई बराबर। दूसरे तरफ हमको क्या करना होगा, दूसरी गाड़ी जो है जो 120 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है, अब उसकी चाल लिख लिया जाए 120 ए भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको पहुंचने में कितना समय लगेगा यहां से यहां आने में, तो दूरी तो वही रहेगी, तो यहां पर मान लीजिए हमने लिख दिया कि यच घंटा लगेगा, कितना घंटा, यच घंटा, तो यहीं से काट दीजिए, यहीं से आंसर निकल जाएगा, 1-0 यहां पर है तो 1-0 यहां से कट गया। अब देखिए यहाँ पर 12 दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पर 16 दिखाई पड़ रहा है, तो ये 4 * 4 = 16 हो जाएगा और 4 * 3 = 12। अब इस 3 से दूसरे पक्ष का 15 भी कट जाएगा, यहाँ 15 बचा हुआ दिखाई पड़ रहा है, इस 3 से ये पूरा कट जाएगा, तो ये हो गया 5। अब ये क्या हो गया, 5 * 4 = 20, और कुछ बचा नहीं है, यानी कि यहाँ पर यच हो गया ये 20। अब 20 घंटे लगेंगे, 20 घंटे किस विकल्प में है, देखिए विकल्प नंबर बी में जो है ये उत्तर है। प्रश्न नंबर 3, दो स्टेशन
ए और बी, यानी स्टेशनों का नाम है ए और बी, यहाँ पर एक दूसरे से 220 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से प्रातः 7 बजे बी की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। दूसरी रेलगाड़ी उसी दिन प्रातः 8 बजे बी स्टेशन से ए स्टेशन की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। वे किस समय एक दूसरे से मिलेंगी? तो देखिए जरा यहाँ पर, यहाँ से दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी पहले से दिया हुआ है 220 की, ये आपको किलोमीटर में यहाँ पर लिखा हुआ है, और ये लिख दीजिए किलोमीटर, ये दूरी दी हुई है। दोनों एक 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 इधर से चल रही है गाड़ी, दूसरी गाड़ी इधर से चल रही है, तो किसी पॉइंट पर जाके मिलेंगे ये, और जब ये जहां मिल रहे हैं तो यहां से यहां तक की एक दूरी बनेगी एक गाड़ी द्वारा चली हुई, और ये जो गाड़ी जो दूसरी चल रही है यहां से लेकर के यहां तक जो दूरी चलेगी ये दूसरी दूरी हो गई। इन दोनों दूरियों को जोड़ दिया जाए, यानी बीच में प्लस कर दिया जाए, यहां से यहां दूरी और ये दूरी, तो पूरा 220 आएगा। इसी सिद्धांत पर आपको लगाना है। तो अब देखिए, मान लीजिए कि सीधे सीधे एक दूसरे से कब मिलेंगे निकालने के लिए समय पूछ रहा है, इसका मतलब, तो मान लीजिए कि ये एक्स घंटे में मिलेंगी, माना एक्स घंटे में मिलेंगी, तो जब एक्स घंटे में मिलेंगे तो पहली गाड़ी चूंकि 7 बजे छूट रही है, 7 बजे, तो इसके लिए मान लीजिए यहां से मान लिया कि एक्स घंटा लगेगी, तो एक्स घंटा हो गया, तो ये कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यक्स गुणे 40 हो जाएगा ये। अब आप देखिए यहाँ पर यक्स जो चल रही है एक्स घंटे में, एक्स घंटे के गुणे अगर चाल कर देंगे तो ये दूरी पहले वाली ये इतनी प्राप्त हो गई, प्लस दूसरी दूरी जो दूसरी गाड़ी चल रही है, ये दूसरी गाड़ी आप देखें 8 बजे शुरू होती है, जब 8 बजे शुरू होती है अर्थात जो पहली गाड़ी का एक्स घंटे लगता था, तो दूसरी गाड़ी 1 घंटे बाद छूटी है, यानी कि उसका समय 1 घंटे कम हुआ, अर्थात कितना हुआ, एक्स माइनस वन, 1 घंटे कम हुआ। अब एक्स माइनस, अब ये जो गाड़ी जहां मिलने के लिए दोनों पहुंच रहे हैं यहां पर, तो उसकी चाल आप देखिए यहां पर दिया हुआ है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये इस समय को इस समय से गुणा कर देंगे इसकी 50 किलोमीटर प्रति घंटा से, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा सारे मात्रक जो है किलोमीटर और प्रति घंटे में दिए हुए हैं, तो इसलिए हमें यहाँ पर 5/18 का गुणा नहीं करना है। अब देखिए हमें क्या करना होगा, ये पूरी दूरी दोनों मिला करके कितनी हो गई, 220 यहाँ पर अभी ये बताया गया है। अब यहाँ पर हम लोग समझे, यहाँ पर ये सीधे सीधे हो गया कि 40x धन ये, और ये 50 का तो एक बार इसमें और एक बार इसमें होगा, तो 50x हो जाएगा ये, और ऋण 50 हो जाएगा, एक में गुणा होगा 50x 50, इधर बराबर क्या है 220। ये देखिए अब यहाँ 50x एक बार है ही है, यहाँ पर देखिए है 50x और ये 40x मिला करके ये हो गया 90x, और ये जो माइनस 50x है उधर जाएगा, तो 220 पहले से है, ये माइनस जाकर उधर प्लस हो जाएगा, तो 270 हो जाएगा वो। अब देखिए यहाँ से कट गया, ये एक जीरो यहाँ से, एक 70 का जीरो कट जाएगा, 9 से कटेगा, 9 3 27, यानी 3 घंटा आ गया, x का मान यहाँ पर आ रहा 3 घंटा। अब देखिए पहली गाड़ी जो छूटी थी कितने बजे छूटी थी, सुबह सुबह, ये प्रातः जो है 7 बजे, तो 7, अब कितने देर में वो लोग मिलेंगे, एक्स का मान निकल गया है, इसका मतलब 7 बजे तो छोटी थी, 3 घंटा और जोड़ लीजिए, 7 घंटा तो कितना हो जाएगा, 7 × 3 = 10, और 10 ये बजे का उत्तर आपका आंसर निकल गया कि 10 बजे वो मिलेंगे। देखिए किस विकल्प में है, विकल्प नंबर 1 यानी ए में है। प्रश्न नंबर 4, स्टेशन ए तथा बी से दो रेलगाड़ियां विपरीत दिशाओं में एक दूसरे की ओर क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाती हैं। मिलने के समय दूसरी गाड़ी पहली गाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक दूरी तय कर चुकी होती है, ए तथा बी के बीच की कितनी दूरी है? तो देखिए यहाँ पर जानना है, जिस गाड़ी की चाल कम है और विपरीत चल रही है वह कम दूरी तय कर रही है, और जिस गाड़ी की चाल ये 60 किलोमीटर है, पहले वाली 50 किलोमीटर प्रति घंटा थी, इसकी 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये जो है अपनी चाल अधिक होने के कारण 120 किलोमीटर अधिक चलती है। तो देखा आया कि मिलने के समय, यानी दोनों बराबर समय ले रहे हैं, इसका मतलब ये निकला, तो समय अगर यहाँ पर बराबर निकल रहा है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखिए पहला समय अगर T1 मान लें तो दूसरा क्या हो जाएगा T2, क्योंकि दोनों ही, अब यहाँ चित्र अगर बनाने की बात आए तो इस तरह चित्र बनेगा, इसको समझ भी लिया जाए। ये देखिए देखिए दूरी का ये हो गया, यहां से जो गाड़ी दूसरी इधर वाली गाड़ी जो चल रही है विपरीत दिशा में, और ये भी विपरीत दिशा में चल रही है, ये गाड़ी जो है ज्यादा तय कर रही है, मान लीजिए कि पहली गाड़ी एक्स किलोमीटर तय करती है यहां पर एक्स, तो यहां से यहां तक दूसरी वाली का हो जाएगा एक्स धन 120 हो जाएगा, क्योंकि दूसरी गाड़ी की स्पीड ज्यादा होने की वजह से वह 120 ज्यादा जा रही है। तो समय निकाल लें, चालें दी हुई है, तो T1 की जगह माने समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, पहली दूरी एक्स हो गई, तो पहली गाड़ी की चाल कितनी है 50 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको लिख लिया जाए यहाँ 50 बराबर दूसरी गाड़ी का समय,
तो देखिए दूसरी गाड़ी के समय के लिए दूरी ये हो जाएगी, ये दूरी हो जाएगी, यानी x प्लस 120 और बटे जो है इसकी चाल कितनी है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यहाँ पर बटे आप 60 रख देंगे। अब देखिए ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए तो ये 60 का x में गुणा हो जाएगा, तो ये होगा 60x बराबर इस 50 का गुणा एक बार x में होगा तो 50x हो जाएगा, और इस 50 का गुणा एक बार 120 में भी होगा, तो ये गुणा करके आप देख लीजिए ये हो जाएगा आपका 6000। यहाँ गुणा करने पर आप 6000 आ जाएगा, जो जुड़े 12 बजे 60 वो हो जाएगा उतना, इस तरह से कैलकुलेट कर लीजिए। अब देखिए इस 50 को जब इधर लाएंगे तो यहाँ 60x है, यहाँ पर 50x है, इधर लाएंगे घट जाएगा 50 60 में से, तो बचेगा क्या 10x, ये 10x बराबर यहाँ पर बचेगा केवल 6000, ये 6000 बच रहा है, 10 का एक जीरो कट गया यहाँ से तो x का मान 600 आ गया। तो ये जो 600 आ रहा है ये पहली गाड़ी द्वारा चली गई दूरी आ गई किलोमीटर में, तो जब पहली गाड़ी की जो है चल रही है 600 किलोमीटर तो दूसरी कितनी चली है वह 600 में 120 और जोड़ेंगे तो उसका कितना हो जाएगा प्लस 720। 720 कहाँ से आया, पहली गाड़ी का 600 हो गया तो दूसरी गाड़ी जो है 120 किलोमीटर और चल रही है, अधिक चल रही है यहाँ सवाल में दिया है, इसका मतलब उसका 600 से 120 किलोमीटर और जोड़ देंगे तो 720 आ जाएगा। इन दोनों को जोड़ने पर कुल दूरी यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी दूरी ये आपको हमें प्राप्त हो जाएगी, और वो क्या प्राप्त होकर के यहाँ पर आ रहा है देखिए 7, 6, 13 और ये 1320 किलोमीटर। अब देखिए 1320 किलोमीटर किस विकल्प में है वही हमारा आंसर होगा, विकल्प जो है ए में है और यहाँ पर आंसर। प्रश्न नंबर 5, रेलगाड़ी ए रेलगाड़ी बी को 30 सेकंड में पार कर जाती है, यदि ए यानी रेलगाड़ी ए की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो तथा बी की लंबाई ए की लंबाई से, यानी गाड़ी जो बी है उसकी लंबाई ए की लंबाई से, गाड़ी ए की लंबाई से 140% अधिक हो, तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का अंतर ज्ञात करिए। तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का अंतर का सीधा फार्मूला नहीं है लेकिन हम परंपरागत फार्मूले से ही लगाएंगे। यहाँ एक चीज स्पष्ट कर दिया जाए, गाड़ियां दो दी रही है, पार करने का समय केवल 30 सेकंड दिया हुआ है और एक ही गाड़ी की चाल दी हुई है, तो और एक शर्त केवल और दिया हुआ है कि बी की लंबाई ए की लंबाई की इतनी है, अर्थात यहां से प्रतीत हो गया कि एक गाड़ी जो पार कर रही जिसका चाल दिया हुआ है दूसरी गाड़ी को जो पार कर रही वो गाड़ी खड़ी है, खड़ी लिखा नहीं है, इसका मतलब वो गाड़ी खड़ी है। लेकिन अब यहां पर देखिए एक सूत्र है, आप जानते हैं उसी सूत्र के सहारे लगाए, दूरी बराबर क्या होता है चाल और गुणे समय। अब यहां पर देखें हम लोग कि ये जो दूरी है वो दूरी कैसे पता चलेगी, पहली गाड़ी की लंबाई माना कि x है तो वो x हो जाएगी प्लस दूसरी गाड़ी की लंबाई, दोनों जैसे हम लोग कहते हैं गाड़ी कोई प्लेटफार्म को पार करती है तो पहले गाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई, तो जब दूसरी गाड़ी खड़ी है तो समझिए कि वो खड़ी वाली की लंबाई भी केवल प्लेटफार्म जैसी हो गई और उसकी जुड़ेगी। तो पहली गाड़ी की मान लीजिए हमने लंबाई कर दिया कि x है तो दूसरी गाड़ी की क्या लंबाई हो जाएगी, शर्त में दिया हुआ है चूंकि b की लंबाई a की लंबाई के 140% अधिक है तो वो वाली हो जाएगी x गुणे 140 बटे ये 100। ये देखिए तो ये दूरी जो हो गई पहली गाड़ी की लंबाई धन दूसरी गाड़ी की लंबाई, क्योंकि दूसरी गाड़ी तो चल नहीं रही लेकिन खड़ी है मगर उसकी लंबाई ज्यादा है, तो दोनों को ये जोड़ लिया गया, ये दूरी निकल गया। इस दूरी के सहारे अब आप देखिए चाल दिया हुआ 72 किलोमीटर प्रति घंटा, तो आप लिख लीजिए यहाँ पर 72 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, और ये हम लोग गाड़ी की लंबाई वगैरह अक्सर मीटर में मानी जाती है क्योंकि, और यहाँ समय भी देखिए 30 सेकंड दिया पार करने का, तो सेकंड दिया इसका मतलब कि ये जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है इसको भी हमें बदल करके मीटर पर सेकंड में करना होगा, तो यहाँ पर मीटर पर सेकंड भी कर लिया जाए इसको पहले, तो ये 5/18 का यहाँ पर गुणा करना पड़ेगा, और गुणे अब समय कितना लग रहा है 30 सेकंड, यहाँ पर देखिए 30 सेकंड दिया हुआ है तो वही आप यहाँ पर 30 सेकंड अब रख देंगे। अब इसको सॉल्व कर लिया जाए, देखिए 18 तो यहाँ से करना 18 18 4 72 तो यहीं पर कट गया, और क्योंकि ये सब आपस में गुणा है तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा 5 4 20 और 30 का गुणा करेंगे, यहाँ पर देखिए गुणा करके देख लीजिए 600 आ जाएगा ये पूरा, यहाँ पर बराबर के इधर का कैलकुलेशन 600 हो गया। अब इधर देखिए एक इतने में एक तो यहाँ पर ये कट जाएगा, अब बचा कितना ये 7 से 2 7 14 और 2 5 10, यहाँ पर आपको दिख रहा है कि x प्लस 7x/5 ये कटने पिटने के बाद ये इतना कटने पिटने ये इतना कटने कटने के बाद इतना बच रहा है। अब हम लोग देखें इसको जो है कैसे लगाएंगे, 5 का इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5x और धन ये 7x/5 हो जाएगा, और इधर 600 है ये देखिए, तो ये जब फिर 5 इधर आएगा तो उसमें गुणा हो जाएगा, तो ये जब इधर गुणा होगा तो ये क्या हो जाएगा 600 और गुणे 5 ऐसे रखी दीजिए कोई बात नहीं, और ये 5x धन 7x जो जोड़ेंगे यहाँ पर ये हो जाएगा 12x। अब देखिए 12 यहाँ से कट जाएगा, 12 1 12
कट रहा है, और ये 12 यहाँ पर 5 60 पांच बार जाएगा और एक जीरो ये उधर जाएगा, तो ये 50 × 5 करेंगे कितना आ जाएगा 250। अब ये 250 मीटर ये पहले गाड़ी की आ गई, पहली गाड़ी की हम लोग मांग रहे थे लंबाई जिसकी कम थी, अब दूसरी गाड़ी की लंबाई इससे 140% अधिक है, तो ये देख लीजिए पहले तो दोनों गाड़ियों की लंबाई पता चल जाएगा तो अंतर निकाल सकते हैं, तो यहीं पर तुरंत कर लीजिए 150 का 140 कर लीजिए, तो 140% माने 140 × 100 हो गया। अब यहाँ पर आपका देखा एक जीरो यहाँ से यहाँ कटा, एक जीरो यहाँ से यहाँ तक कटा, टोटल गुणा कर लिया जा रहा है 25 का और 14 में गुणा करेंगे तो कितना आ जा रहा है 350 मीटर। अब ये देखिए 350 मीटर आ गया, 25 और 14 कुल बचा हुआ है। अब दोस्तों सवाल में पूछा था तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई का अंतर स्पष्ट, अब घटाने की जरूरत नहीं, इतना मौके लगा लीजिए, एक गाड़ी की लंबाई आ गई 250, दूसरे गाड़ी की लंबाई आ गई 350, तो अंतर कितना होगा 100, और ये 100 मीटर किस विकल्प में है, विकल्प नंबर एक माने ए में है, वही आपका आंसर हो गया। अब देखिए दोस्तों अगर हमारा पढ़ाना हमारा समझाना आपको अच्छा लग रहा हो, चैनल पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं तो दोबारा सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, कि वो लाइक करते रहिए देखते रहिए, हम आपका सहयोग करते रहेंगे, आपको अध्ययन सामग्री मिलती रहेगी, कठिन या सरल कुछ भी इस चैनल पर आपको परेशान नहीं करेगा, कठिन सरल सबको सरल बना दिया जाएगा, आसानी से आप अपने कामयाबी की तरफ बढ़ते रहेंगे।